नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको गोभी का पकौड़ी बनाने का बिल्कुल नया और आसान तरीका बताएंगे। इस तरीके से आप पकौड़ी कभी नहीं बनाए होंगे, एक बार आप इस तरीके से पकौड़ी बनाकर देखिए। गोभी का पकौड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है एक फूल गोभी। गोभी को काट कर ऐसे लंबे लंबे और पतले पतले छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है, और चार पाँच हरी मिर्ची है, इसको भी मैंने दो टुकड़ों में काट लिया है। पकौड़ी के साथ इसको भी फ्राई कर लेंगे। बेसन, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अजवाइन, आमचूर पाउडर, धनिया की पत्ती। तो चलिए गोभी का पकौड़ी बनाते हैं। अब हम सबसे पहले एक कढ़ाई में गरम करेंगे पानी, और उसमें डाल देंगे एक चम्मच नमक, और पानी में एक उबाल आने देंगे। और पानी में उबाल आना शुरू हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे ये कटे हुए गोभी, और इसको थोड़ी देर पका लेंगे। ज़्यादा मुलायम नहीं करना है, बस थोड़ी देर। गोभी अच्छे से बॉयल होने लगा है, अब हम गैस ऑफ कर देंगे और गोभी को पानी से अलग कर लेंगे। गोभी को पानी से छान कर ऐसे छन्नी में रख दिया है, अब इसको हम अच्छी तरह से निथरने देंगे। अब हम एक बोल में लेंगे बेसन, और उसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच क्रश किया हुआ अजवाइन, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और अब डाल देंगे ये धनिया की पत्ती, और सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोभी का सारा पानी छन गया है, अब हम इस बेसन में जिसमें सारी सामग्री को मैंने मिलाया है उस बेसन को लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे डाल देंगे, और इसको इस तरह से मिला लेंगे। गोभी को कोट कर लिया है, और ये बचे हुए बेसन का गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। बेसन का गाढ़ा घोल तैयार कर लिया है, अब हम इसमें गोभी को डिप करेंगे। अब हम इस घोल में डालेंगे गोभी ऐसे, और अब देखिए ऐसे उठाएंगे चम्मच से और इस तरह से डालेंगे। पकौड़ी को तलते समय अपने गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब हम इन पकौड़ियों को निकाल लेंगे, अभी यह पूरा हुआ नहीं है, अभी हम इसको एक बार और फ्राई करेंगे। सेम तरीके से बाकी पकौड़ियों को भी तल लेंगे। अब हम इन पकौड़ियों को भी निकाल लेंगे, इनको भी दोबारा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे उन पकौड़ियों को जिनको पहले निकाल के रखा था, और इस समय अपने गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। इस तरह से फ्राई करने से पकौड़ियाँ बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगी। अब हम पकौड़ियों को निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं पकौड़ियाँ अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब इन पकौड़ियों को भी फिर से फ्राई कर लेंगे। अब हमारी सेकंड बैच की पकौड़ियाँ भी तैयार हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब हम फ्राई करेंगे हरी मिर्ची को, इसको भी बेसन में डुबो दिया है। हरी मिर्ची भी हमारी फ्राई है, इसको भी निकाल लेते हैं। पकौड़ी तो बनकर तैयार है, अब हम पकौड़ी के साथ खाने के लिए चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है एक टमाटर, दो हरी मिर्ची, चार पांच कली लहसुन, धनिया की पत्ती और नमक। तो चलिए चटनी बनाते हैं। अब लेंगे एक मिक्सी का जार और डाल देंगे धनिया की पत्ती, टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन, और डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक,
सारी सामग्री को बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। चटनी को बिल्कुल बारीक पीस लिया है, अब हम पकौड़ी के साथ सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं गोभी का पकौड़ी, हरी मिर्ची और धनिया की चटनी बनकर तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार गोभी का पकौड़ी आप भी इस तरह से बनाकर देखिए, यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है।